एक जब जब हमने उसको बना दिया को, उसके बाद उसको पानी नहीं लगना चाहिए। बना दिया मतलब कैसे? अच्छा भूख दिया ना उसको, हाँ हाँ थाप दिया भूखला, उसके बाद उसको पानी नहीं लगना चाहिए। ओके, वो ऐसे ही धूप में ऐसे ही सूखे, हाँ हाँ सूख, जब वो सूख गया थोड़ा सा, जब उसको फिर पानी लग गया तो फिर तो वो जो क्रिया का इसमें ना एक कार्बन डाइजेम बोलते हैं उसको, तत्व है एक, हाँ हाँ एक साल में वो अपने आप इसके बीच में भीतर में इसके वो बनता है, एक साल में बनता है। तो इसको छाया में सुखाना चाहिए फिर? नहीं, धूप में सुखाइए, धूप में सुखाएं, लेकिन बारिश से बचाना पड़ेगा, बारिश से बचाना पड़ेगा। या ऐसा हो कि कुछ पाथियाँ ही बनानी है आपने, उनकी संभाल करो, बारिश से पहले उनको अंदर उठा के रखो, ऊपर से छत, जब ये आधी सूखी ना, आधी कम से कम, उसके बाद तो पानी लगना ही नहीं चाहिए, आधी से कम सूखी है तो लग जाए माड़ा मोटा कोई बात। तो उसके बाद फिर जब इसको बरतने का तरीका, एक साल तो कितना पुरानी, एक साल पुराना होना, एक साल पुरानी, ठीक है। हमने दो पाथियाँ लेनी है, उसको 50 लीटर पानी में डाल देना है, दो पाथी 50 लीटर में, हाँ जी ठीक है। और 4 दिन बाद उसका स्प्रे करेंगे ना, 4 लीटर एक पंप में डाल के, 16 लीटर का पंप है, उसमें 4 लीटर ये पानी और 4 लीटर दूसरा सादा पानी, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है। मतलब आधा माध होना चाहिए, आधा पानी और आधा इसका पानी, चार चार लीटर, चौथा हिस्सा, 25% वो 16 लीटर का है तो 10 लीटर वो हो जाएगा, 12 लीटर और 4 ये हो जाएगा, ठीक है। दो पाथी इन 50 लीटर है ना, दो पाथियाँ 50 लीटर, हाँ जी हाँ जी। तो जिस फसल में भी आप गिरेंगे, मान लो पीड़ी पड़ी हुई है, तो वो हरा रंग हो जाएगा उसका। और जो फलों वाले पौधे हैं उन पे, किसी भी चीज पे गिरो, और जड़ में भी डाल सकते हैं इसको, जड़ में भी डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे कुछ पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, बड़े स्टैग्नेशन में आ गए हैं, तो उनमें डाल सकते हैं इसको ना? बिल्कुल हाँ। वैसे तो सब कहते यही है कि पौधा जो है ना वो 90% से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट है, हाँ, वो हवा से लेता है, हाँ, एटमॉस्फेयर से लेता है, तो पत्तों के ऊपर ऐसे छिड़काव कर देना बेटर है, के नीचे भी डाल दो, जड़ों से भी। फोलियर स्प्रे जो है ना, आपको इंस्टेंट रिजल्ट के लिए फोलियर स्प्रे बेस्ट, और ग्रेजुअली बनाई थी, सब्जी लेके जाते थे ना जब, तो ज्यादा क्वांटिटी में मांगने लगे लोग।